दतिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रांगण में अचानक महिलाओं का झुंड एकत्रित होने से माहौल गर्मा गया। महिलाएं और कोई नहीं उन्हीं के विभाग की आशा कार्यकर्ताएं थी, जिनसे काम तो पूरा लिया जाता है लेकिन मेहताना बहुत कम दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों का ज्ञापन दिए हुए आशा कार्यकर्ताओं का समूह सर पर काला कपड़ा बांध पहुंचा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जहां मीडिया से रूबरू होते हुए महिला कर्मियों ने बताया कि आज के समय में एक मेहनत करने वाला मजदूर भी 500 रुपए से ऊपर प्रतिदिन कमाता है, लेकिन हम कर्मचारियों को पूरा दिन काम करने के बाद भी सही से मेहताना नहीं मिलता, जिससे घर चलाने में परेशानी होती है। गौरतलब है कि महिला आशा कार्यकर्ता के बीच पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिन्हें महिला वो आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं पहले भी कई बार आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर विरोध जाहिर किया, लेकिन इनकी मांगे अभी तक प्रशासन से पूर्ण नहीं हुई है। आखिर क्या कुछ कहना है महिला आशा कार्यकर्ताओं का एवं क्या कहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने, आइए सुनते हैं। डॉक्टर आरबी कुरियर, जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे जिले की सभी आशा कार्यकर्ता थी, उनके द्वारा मध्य प्रदेश शासन से अभी हर एक कार्य के उनको के अनुसार कार्य के अनुसार उनको इंसेंटिव दिया जाता है। जैसे कि किसी महिला की प्रेगनेंसी आई तो उसका ANC पंजीयन कराना, उसमें सहयोग करना, उसकी चारों जांचें कराना, ऐसे टीकाकरण में बच्चों को उनके संपूर्ण टीकाकरण कराना, उस समय उनका जो योगदान रहता है उसके अनुसार उनको भुगतान किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के तहत मंथली बेसिस पे कोई राशि नहीं दी जाती है। उन लोगों की मांग यह है कि उन्हें कुछ मंथली मानदेय दिया जाए शासन की तरफ से, इसी के लिए उन्होंने आज ज्ञापन दिया जो हम शासन को भेज देंगे, शासन जो भी कार्रवाई करेगा उसमें। यहाँ कूपन जरा जरा से बनाने के लिए 100-200 रुपए का जो हमें रिश्वत देनी पड़ती है, ये ना देनी पड़े, क्योंकि इनका इंसेंटिव जरा सा है 400-500 रुपए का, उसमें 200 रुपए इंसेंटिव ये कूपन के लिए भुगतान दे दिया जाए तो फिर इन्हें प्राप्त क्या होगा? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे चल के क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो जिला स्तरीय आंदोलन पूरा प्रदेश में पहुँचेगा और बहुत उग्र आंदोलन होगा। दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।